बात सुनो, एक सवाल का जवाब दीजिए। आप देखो, हम यहाँ जवाब सवाल करने नहीं आए, हम आपकी बात सुनकर के आपकी समस्या का निस्तारण कैसे हो इसके लिए आए हैं, नहीं तो हम वही बैठे रहते हैं, यहाँ नहीं आ पाते। साहब सुन सब रहे हैं लेकिन कोई नहीं, नहीं, नहीं कर गलत बात नहीं, हमारे बच्चे अगर रोड पे सोएंगे तो हमारा यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं, छोड़ के चले जाए। नहीं मत जाइए, नहीं हम तो मस्त बोलिए, हम छोड़ के चले जाएंगे, आपको नहीं दिक्कत। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थी पहुंच गए ओपी चाचा के घर, मांगने लगे इंसाफ, करने लगे अपनी मांग, लगने लगे नारे। अभ्यर्थी बैठ के जमीन पर पीटने लगे ताली, बुलाते रहे ओपी राजभर को और फिर बाहर आना ही पड़ा पियरका चाचा को, उन चाचा को जो पिछड़ों की लड़ाई का दावा करते हैं, वो चाचा जो योगी सरकार को कोसते कोसते पिछड़ों दलितों की अनदेखी का आरोप लगाते लगाते फिर से उसी सरकार में शामिल हो गए। वो अभ्यर्थियों के सवालों पर भड़क जाते हैं, सुना जाते हैं, देखिए। बस हमें जवाब इस बात का चाहिए आपसे कि अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो किसकी जवाबदेही बनेगी, बस हम इतना जानना चाहते हैं। आपके पास आएंगे, आप जानते हैं क्या कहेंगे कि मामला कोर्ट में है, हम असमर्थ हैं, कुछ कर नहीं सकते। और ये बार हम चार बार सुन चुके हैं साहब, हम लोग थक चुके हैं, ये हमारी पीड़ा है, वो समझिए। आप क्या कर सकते हैं बताओ, आप इतना करिए कि आपसे आपका पहला सवाल आया मेरे सामने, सभी लोगों ने हाथ लिया, मैंने पूछा कि और किसी को कुछ कहना है, तब तो कोई नहीं बोला। मानी जी बात सुनो, एक सवाल का जवाब दीजिए। आप देखो, हम यहाँ जवाब सवाल करने नहीं आए, हम आपकी बात सुनकर के आपकी समस्या का निस्तारण कैसे हो इसके लिए आए, नहीं तो हम वही बैठे रहते हैं, यहाँ नहीं आ पाते। साहब सुन सब रहे हैं लेकिन कोई नहीं, गलत बात नहीं, हम जो कह रहे हैं, जो आपने उसे कहा है, हम उस बात पे यानी ठीक है, हम मुख्यमंत्री से मिलकर के 5 लोगों को ले चलेंगे, आप अपनी अभी आपके साथ कहेंगे। सर हम ये कहना चाहते हैं कि 8-9 तारीख को डेट लगी है सुप्रीम कोर्ट में और सुनवाई होगी, अगर स्टे हो जाता है तो किसकी जवाबदेही होगी, बस मैं जानना चाहता हूँ। जवाबदेही नहीं, किसकी जवाबदेही होगी, नहीं जवाबदेही हमारी नहीं, किसकी हम नहीं जानना चाहते हैं, हम उसके पास जाए, हम लोग किसके पास जाए, आप ये बता दें बस। नहीं आप बताओ हम क्या करें, कार्रवाई शुरू करा दी, हम हैं नहीं तो मिलवा कर। नहीं साहब आप ये बात सुनिए, मेरी बात सुनो, मुझे कोई जानकारी नहीं थी कि आप लोग यहाँ आ रहे हैं, आप हमारा प्रोटोकॉल अपने मोबाइल पे देखो, हमको यहाँ से 11 बजे निकलना था, ठीक है, और मुझे जाना है बलिया, बलिया से मुझे जाना है सिकंदरपुर, सिकंदरपुर से बांसडी कार्यक्रम वहाँ तक, तो मैं अपना प्रोटोकॉल भेज चुका हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हमारा पहले से कार्यक्रम 6 तारीख को भी लगा है, 7 तारीख को मिर्जापुर लगा है, 8 को अम्बेडकर नगर कार्यक्रम है, ये हमारा शेड्यूल है। अभी शेड्यूल को आप बताओ क्या करें। सर हमारा भी शेड्यूल सुन लीजिए साहब, रोज सुबह उठते हैं, सड़कों पर गिरते हैं और शाम को न खाने का जुगाड़ है न रहने का जुगाड़ है, हम किसके पास मजबूर जारी करें, हम किसको बताएं, क्या करें बताओ ना। जब तक उन अधिकारियों के साथ कुछ होगा नहीं, ये हम लोग कभी नहीं नौकरी पा पाए। सर हमारे पास पैसे नहीं, हम लोग जितना था बेच बाज के हमको लोटा लगा चुके हैं, तो अभ्यर्थी सवाल पूछते कि कहीं फिर से कोर्ट में मामला फंसा भर्ती का, तो क्या करेंगे, कहां जाएं, किसकी जवाबदेही होगी, तो भड़क पड़ते हैं ओम प्रकाश राजभर, अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। तो इधर अभ्यर्थी अपनी पीड़ा बताते जाते हैं, जेब खाली है, दिन दिन भर भटक रहे हैं, भीषण गर्मी में कोई सुनवाई नहीं, कहते जाते हैं तो राजभर बस सुनते जाते हैं। हालांकि इस बातचीत में वो ये वादा जरूर करते हैं कि सीएम योगी से इन अभ्यर्थियों के एक दल को जरूर मिलवा देंगे, बाकी उनके हाथ में कुछ नहीं। वहीं जरा ये भी देखिए कि जब राजभर को योगी के पहले कार्यकाल का वो दौर याद दिलाया जाता है, जब सरकार से बाहर आ गए थे राजभर पिछड़ों की लड़ाई का तान छेड़ते हुए, अभ्यर्थी किस बड़े बयान पर राजभर बड़ी बात कह जाते हैं। इतना नहीं अन्याय होना चाहिए कि मुखिया के बेटे उनके बच्चे सड़क पे पीटे, भूखे सोए रैन बसेरे में गुजारा करना सड़क पे, अब 4 साल हो गया मंत्री जी, अब कम से कम अगर 4 दिन 5 दिन 10 दिन जो भी समय लगे कुछ तो जानकारी हो, पता तो चले हम लोगों के साथ हो क्या रहा। अच्छा यार ये बताओ कि जो बात आप कह रहे हो, हम अब आपसे जो बात कह रहे हम प्रयास ही ना कर सकते हैं, हम सरकार में शामिल हैं, सहयोगी दल शामिल है, सहयोगी दल शामिल है, हम
हमारी जितनी क्षमता है उस क्षमता से तो हम लड़ी रहे। मंत्री जी आपकी जितनी क्षमता है आप तो सरकार छोड़ के बाहर आ गए अपने मुद्दों को लेकर। किसके लिए? हमारे लिए। अब फिर सोचो तो कहिए ना फिर से कि हमारे बच्चे अगर रोड पे सोएंगे तो हमारा यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं। छोड़ के चले जाए? नहीं मत जाइए, हम तो मस्त बोल रहे हैं, हम छोड़ के चले जाएंगे, आपको नहीं दिक्कत। मनीष जी हमारा भी एक सवाल है, फिर सीएम साहब से भी हम लोग यही कहे, वो उन्होंने भी असमर्थता जाएगी हम कर रहे हैं, लेकिन साहब हमको न्याय होता नहीं दिख रहा है, आपके अधिकारी फिर फंसा देंगे, हम लोग का डर यही है साहब। देखिए पहला हमने आपसे इसी से कहा, जरा नहीं सुनो, अरे सुनो भाई बात, देखो बात की सुनो, हम भी आप ही लोग परेशान थे, हम भी नौकरी के लिए परेशान थे, जब नौकरी नहीं मिली तब हम दूसरी नौकरी के लिए निकले, मेहनत की हम यहाँ तक आ गए। हमारा प्रयास जैसे आपने कहा, मैंने पूछा आप लोगों से कि और कोई बात कहना चाहता, सभी लोगों ने कहा कि नहीं यही बात है, तो मैं फिर कह रहा हूँ कि 8 तारीख को मैं लगूंगा, 8 को माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमारा नगर में है, हम उनसे बात कर लेंगे या आज ही हम बात मैसेज दे देंगे, हम 3+2 5 लोगों का नाम मोबाइल नंबर हमको दे दीजिएगा, हम ये जिम्मेदारी लेते हैं कि हम आप 5 लोगों को मुख्यमंत्री जी के यहाँ बैठा के बात करें, जो आपके प्रश्न रहे यही ना प्रश्न सब लोगों ने स्वीकार किया भाई, हम लोगों के प्रदेश के सबसे बड़े डॉक्टर तो मुख्यमंत्री जी हैं ना जी, तो हम उनके यहाँ आपको पहुँचा देते हैं, अब इससे ज्यादा हमसे क्या चाहते हो आप बताओ। दरअसल शिक्षा भर्ती के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को ये अभ्यर्थी जल्द से जल्द लागू करने की मांग कर रहे हैं। इन प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की मांग है इनकी नियुक्तियों में तेजी लाई जाए, इस पूरी प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरी पारदर्शिता के साथ पूरा किया जाए, इनको डर है कि जितना देर इसमें होगा उसमें इस मामले की लटकने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि दूसरा पक्ष सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।